Yo, what's up, guys? It's me, SA and today I'm making a review of a close up mat. This close up mat is basically handcrafted by a Pakistani guy. I believe his name is Qasim. I'm going to mention his details in the ad video and also under the description box. Well, first of all, I want to tell you guys this video is not sponsored by him. Uh, Ace of Deception or my any business have nothing to, uh, nothing to do with that guy. और बेसिकली मैंने उर्दू में बनानी है जिसका मुझे काफ़ी लोगों ने कहा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एस ऑफ डिसेप्शन मेरी जितनी भी कम से बायोसाइकल एस ऑफ डिसेप्शन जितनी भी हैं उनका किसी का भी इस कासिम के साथ कोई एफिलिएशन वगैरह कुछ नहीं है हीज़ जस्ट अ गाय है ये मेरा कस्टमर भी है वो हैंड क्राफ्ट करता है क्लोजअप मैच तो उसने मुझे एक भेजा है रिव्यू के लिए सो आई एम गिविंग हिम शॉर्ड आउट बट डू रिमेंबर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्वालिटी हिज एनी थिंग आई एम जस्ट अ पर्सन हु इज़ मेकिंग अ वीडियो and showing a product. So about this uh, Closer mat. This is a, actually a really felt like a premium product. I'm not going to lie about that and about its measurements. Okay. So it's like 16 inches. Yeah, 16 inches wide and about deep, uh, tall. इट्स लाइक लेस देन एलेवन ओके ऑलमोस्ट या एलेवन एलेवन इंचज़ लॉन्ग तो ये बेसिकली सोलह इंच वाइडर है और सिक्स एलेवन इंच टोलर है इस पे जो अभी प्रोडक्ट इसने यूज़ किया वेलवेट यूज़ किया इसलिए जो लाइन आपको नज़र आ रही होंगी जब मैं हाथ फेरूँ तो ये वेलवेट है ये इसने लेदर यूज़ किया है, हैंडक्राफ्टेड है लेदर वेलवेट और उसके अंडर उसने कोई रबर यूज़ किया कोई स्पेसिफिक मटेरियल कुछ नहीं है ये लेट मी शो इनफ नहीं है लेकिन है क्वेश्चन है इसमें हालांकि आई पर्सनली प्रेफर के क्वेश्चन ज्यादा हो थोड़ा सा क्वेश्चन और हो ताकि हम इसमें कॉइन मैट्रिक्स वगैरह के मैजिक परफॉर्म कर सकें स्टिल हैंड क्राफ्ट है अगर मैं इसके भी परफॉर्मेंस से पहले इसके एक फर्स्ट लुक की बात करूँ फेल्ट वाइज हंड्रेड परसेंट ये प्रीमियम फेल्ट होता है क्योंकि इसने लेदर यूज किया है लेकिन अगर उसके अलावा अगर बात करूँ फिनिशिंग के सिर्फ तो आई पर्सनली फील कि वो थोड़ा और फिनिशिंग कर सकता है ऑफकोर्स ही ट्राइंग बट एज ही इज़ डूइंग दिस नाउ एज अ बिजनेस तो उस बिजनेस के लिए मेरे ख्याल से इसे थोड़ा सा और इसे सीरियस और क्वालिटी अप करनी पड़ेगी क्योंकि यू कैन सी दोज एजिस यू कैन सी इट्स नॉट प्रॉपर स्ट्रेट आई नो कि उसने हैंड से मैनुफैक्चर किया हैंडक्राफ्ट बेसिकली ऑल उसने अपने हाथ से किया लेकिन स्टिल आई हैव सीन बेटर वर्क बट स्टिल जो, जो प्राइज़ ऑफर कर रहा है उस मुकाबले इसका कुछ भी नहीं है द प्राइज ही सेट हीज़ टू थाउजेंड रुपीज़ इन कराची एंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ एनी वेयर इन पाकिस्तान एज क्योंकि ये वाइड है साइज में तो इसलिए इसे शिप करते इसके चार्जेस बहुत आते हैं इवन वेट ज़्यादा नहीं आई बिली इसका वेट वन के जी नहीं होगा स्टिल दैट द रीज़न वी हैव आवर प्रोडक्ट एज एन क्लोजअ मेट्स मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दिखाता हूँ नो सी के कार्ड्स वगैरह के लिए कैसे आई एम गोइंग टू यूज़ माई बाइसेक प्रेस्टिज डैग ऑफकोर्स मेरी शॉप पर अवेलेबल नहीं है मेरे पर्सनल कलेक्शन में से प्रेस्टीज ये वाहिद प्लास्टिक बैग था जो हमने मंगवाया था लेकिन यार एक्सपेंसिव काफी था उसके बाद इसलिए मंगवाया ही नहीं स्टिल लाइक पेपर

ओके okay, ये कार्ड्स अच्छे नहीं हो रहे प्लास्टिक है मैं अपना ये यूज़ कर रहा हूँ डेक ये जब वो है बाईसाइकिल ये वन ऑफ माय ओल्ड डेक्स है ओके या ओके वाइड और कर सकते थे आप लेकिन स्टिल कोर्स उसका स्टैंडर्ड साइज है उसने रिसर्च की होगी ओके गुड या तो मैं मैट्रिक्स कर रहा हूँ ओके okay, अब इधर जो है ना जो अक्सर मजिशंस नहीं जानते इफ़ यू आर गोइंग टू यूज फोर पॉइंट मै ट्रिक्स ट्रस्ट मी ये बहुत हार्ड है सर फेस ना जिन्हें मेजी ट्रिक्स का पता है आई नो वो दे गोइंग टू अंडरस्टैंड लेकिन ना ये थोड़ा सा सॉफ्ट और कर लेते हैं ना थोड़ा सा ताकि मैं थम को अपना नीचे ला सकता ईजीली तो बहुत और फ़ायदे का होता है लेकिन स्टिल ये देख रहे हो जिस तरह ये स्ट्रेट नहीं इसके ऑफकोर्स छोटे छोटे फ्लॉज हैं लेकिन स्टिल आई एम गोइंग तो टू से कि अगर आप इतना पैसे स्पेंड कर रहे हो यू गोइंग टू आस्क फॉर समथिंग बेटर क्वालिटी तो इसे और इम्प्रूव इंशाल्लाह वो करेगा लेकिन स्टिल टू थाउजेंड रुपीज़ आई बिलीव इज़ जस्टिफाइबल विद कैश ऑन डिलीवरी ही इज़ डूइंग तो अगर आपको अच्छा लगे आप इसे परचेज कर सकते हो आई एम अगेन गोइंग टू टेल यू गाइज मेरी इसमें कोई एफिलिएशन कुछ भी नहीं है एस ऑफ डिसप्प्शन बाईसाइकिल्ड्स इन पाकिस्तान मेरे जितने भी बिजनेसिस हैं वो उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर नहीं जस्ट अ माई क्लाइंट और वो मैनुफैक्चर कर रहा है चीज़ अच्छी बना रहा है तो मैं इसलिए सिर्फ शॉर्ट आउट दे रहा हूँ कल को अगर कोई इशू आता है काइंडली आप उसे डिस्कस करना डोंट हैल मी रिस्पॉन्सिबल ओके आई वॉन्ट टू शो यू गाइज वट वी हैव इन एस ऑफ रिसेप्शन क्योंकि ये जो ये है ना डेक ये अब बोर्ड की तरह आपको दिखाया था मैंने उठा के ये फ्लैक्सीबल नहीं है मैं पर्सनली जो प्रेफर करता हूँ अपने यूज़ के लिए वो ये है जो हमने बायसे अपने एस ऑफ रिसेप्शन के लिए मंगवाए थे प्रोडक्ट लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कुरियर चार्जेस इवन ये लाइट्स है बिल्कुल पेपर की तरह कुरियर चार्जेस फिर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि इसका साइज भर है तो हमने इसे कहीं पे डिस्पैच नहीं किया ऑफ कोर्स इफ़ यू लिव इन लाहौर एंड यू कैन पिक फ्रॉम माय लोकेशन देन ऑफ कोर्स यू आर वेलकम आप आओ मेरी लोकेशन से इसे पिक कर लो ये टू थाउजेंड का ये भेज रहा है इसकी प्राइस क्या है इसकी हम बेच रहे हैं तकरीबन आई बिलीव ये भी टू थाउजेंड के करीब ही है साइज़ अगर हम मैटर कर कम्पेयर uh, करें मुझे ना इसे निकाल के आपको दिखाता हूं ऐसी वीडियो स्पॉन्सर बाय नहीं थी कासिम की तो इसलिए मैं इस वीडियो कोर्स सिर्फ इसकी वीडियो इसकी प्रोडक्ट तक नहीं रख रहा मैं आपको बीच में अपनी प्रोडक्ट भी शो करता हूं अब ये प्रोडक्ट हमारी है ऑलमोस्ट कह सकते हो आइडेंटिकल साइज है इसका और नीचे जो उसका बोर्ड है लेकिन इसका जो क्वेश्चन है ना हालांकि बहुत थोड़ा है बहुत पतला है लेकिन ये क्वेश्चन क्वन मैट्रिक्स के लिए अच्छा था कोर्स अगर ये करता कि इन दोनों को कंबाइन कर लेता ट्रस्ट मी चीज बड़ी हैवी बननी थी बट स्टिल ओके मुझे इवन ब्लैक कलर के अलावा मैं उसे कहा था कि अगर आपके पास डिफरेंट हैं कलर्स डू यू शेयर विद मी के हम डिफरेंट कलर्स को भी यूज करें लेकिन उसने अभी फिलहाल एक ही बनाया था अब मैं इसकी बात करूँ ये हम देंगे अगर लाहौर से कोई पिक करना चाहता है इसके मैं प्राइस अभी फाइनल कर देता हूं आपको सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज़ आज की डेट के लिए है वीडियो के दे लें जब ये अपलोड हुई ऑफकोर्स दो साल बाद देखें अगर मुझे कोई केयर सिक्सटीन हंड्रेड का दो यार नॉट पॉसिबल ओके अब इसे देखते हैं ये कैसा है ऑफकोर्स काफ़ी देर से फोल्डअप हुई देख खुला रहेगा सीधा हो जाएगा देखा सॉफ्ट है लेकिन ज़्यादा हार्ड भी नहीं इधर स्प्रेड जो है ना ऑफकोर्स ये मेरी प्रोडक्ट है मैं इसके लिए कोई बाइसनेस नहीं करूंगा आई एम स्टिल गोइंग टू से उसका जो ये मैट है ये प्रीमियम फील रखता है ये प्रीमियम फील बिल्कुल नहीं रखता अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो आपको भाई ये क्या चीज़ है लेकिन स्टिल मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ऑफकोर्स लड़के ने हैंडमेड बनाए है, लेकिन उसे इम्प्रूव कर सकता है अब जो हमारी ये प्रोडक्ट्स है सी मैं इवन ट्राई भी नहीं इस पर कर रहा ये रेड ब्लू और ऑरेंज कलर में अवेलेबल है हमारे पास लेकिन अगर आप वो लोग हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते आप कहते हैं यार टू थाउजेंड इज़ वेरी मच फिफ्टीन हंड्रेड मेरा बजट जो है वो सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड है आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस अ टिप यूज़ योगा मैट रिसेंटली आई स्टार्टेड लूजिंग वेट फॉर एंड डूइंग एक्सरसाइजेस तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं आप योगा मैट लो सबसे चीप वालाइबली सिक्स सेवन हंड्रेड का मिल जाएगा उसे लो उसका साइज अपने हिसाब से देख के उसे कट कर दो अच्छा कैंची से उसके कॉर्नर्स को राउंड कर दो इस तरह और ट्रस्ट मी आपका अपना क्लोजअप मैट अवेलेबल है इज जस्ट अ टिप ऑफकोर्स अगर आप इतना एफर्ट नहीं करना चाहते योगा मैट से तो श्योर आप योगा मैट ना लो आप क्लोजअप मैट्स लो इफ़ यू लिव इन लाहौर एम यू कैन पिक फ्रॉम माई लोकेशन हम मेरे से फ़ोन पर रब्ता करके आप डिस्कस कर लेना यू कैन बाई दीज दीज आर लाइक आई बिलीव एटीन हंड्रेड का मैं दे दूँगा ये आपको कलर्स भी इसे रेड ब्लू अच्छे हैं इफ़ यू वॉन्ट समथिंग लाइक प्रीमियम फेल्ड और आपको फ्लेक्सीबल नहीं चाहिए कि रोल हो सके ईजीली ना हो आपको ऐसे नहीं चाहिए आपको चाहिए नहीं वो टेबल की तरह रहे स्टैंड की तरह विच आई पर्सनली मुझे क्वालिटी अच्छी लगी है लेकिन अगर इफ आई वॉन्ट टू यूज़ ऑफकोर्स एम गोइंग टू यूज़ दैट कि ये जगह कम लेगा मैं इसे ईजिली कैरी करके अपने बैग में कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ कहीं पर रखूंगा ऑफकोर्स थोड़ी इस तरह थो, हाथ एक दफ़ा फेरेंगे स्ट्रेट हो जाएगा लेकिन स्टिल ये ईजिली कैरिएबल है मेरे लिए मैंने उसे सजेस्ट किया था कि आप जो मैट है आपका उसे आप ना बगैर ये हार्ड सरफेस के से रबड़ की तरह भी रखो लेकिन ऑफ कोर्स ही इज मेकिंग उससे बेहतर पता इस है इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं सो उसने बताया कि उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा सो so गाइज उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आपको वो चाहिए कासिम की मैं उसे नीचे मैंशन कर रहा हूँ इफ़ यू वॉन्ट टू बाई आवर एंड यू लिव इन लाहौर और इफ़ यू इफ़ यू हैव एनी फैमिली मेम्बर जो लाहौर में रहता है जो आपको सेंड कर सकता है तो उसे अपने फैमिली मेम्बर से मेरे नंबर शेयर करके उसे कह के, के मेरे से परचेज़ कर ले और आपको बाद में सेंड कर जैसा मुझे उसे मेरे से पिक करना पड़ना है सो दिस इज़ इट आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो ऑफकोर्स मैंने उर्दू में बनाई काफ़ी देर बाद कोई मैजिक से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आई थी so hope you guys going to like it bye peace